गिलगित में इंतखाबी मुहिम भारी पड़ गई। कैप्टन सफदर को कोरोना हो गया। मरियम नवाज के साथ गिलगित में थे, रात गए, वापस लाहौर पहुंचकर करंटीना कर लिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा भी कोरोना का शिकार हो गए। कायरा कई दिनों से बिलावल जरदारी के साथ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। टेस्ट मस्बत आने पर वापस इस्लामाबाद पहुंचकर क्वारंटाइन में चले गए। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी। केसेस की शरह 4.5% हो गई। हैदराबाद में मस्बत केसेस का तनासुब से ज्यादा 16.9% है। मुल्तान, गिलगित और मुजफ्फराबाद भी ज्यादा मुतासर शहर। कराची में पॉजिटिव केसेस की शरह पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद से कम। मुल्क भर में 24 घंटों में 1,650 केसेस रिपोर्ट हुए, 9 अफराद की जान चले गई। एक्टिव केसेस 18,981 हो गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कोरोना पर अहम इजलास बुला लिया। चोरों ने गिलगित बल्तिस्तान को भी नहीं छोड़ा, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को लूटा है। वजीर मवासलात मुराद सईद का खिपलों में जलसे से खिताब, कहा इमरान खान ना खाता है ना खाने देता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गिलगित में हुकूमत की लेकिन मसाइल हल ना किए। गिलगित बल्तिस्तान सीपैक का दरवाजा है, सीपैक में हिस्सा नहीं मिला। मुराद सईद ने कह दिया 15 नवंबर को जीत पीटीआई की होगी। जाली हुकूमत को कभी हुकूमत समझा ना इनसे कोई दरख्वास्त की। मरियम नवाज का गोपस में जलसे से खिताब, बोली हुकूमत आपके इलाके के फंड्स रोक कर बैठी है, इनके नसीब में आवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं है। पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी। नवाज शरीफ ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला उठाया, कहा 10 दिन की इंक्वायरी को 3 हफ्ते हो गए, मामला दबाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मामले पर खामोश रहे। उस्मा बुखारी की तस्दीक, कहा बाजवा साहब ने 10 दिन में रिपोर्ट का वादा किया था, 18 दिन हो गए, लगता नहीं सिंध हुकूमत की रिपोर्ट भी वक्त पर आ सकेगी। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ कल अहम दौरे पर वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। दो रोज़ा दौरे पर वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, स्पीकर कौमी असम्बली और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एन के मकीन अजियत का शिकार। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने नई सीवरेज लाइनें और सड़क की तामीर शुरू कराई, अब मुकम्मल कराने वाला कोई नहीं। डेंटल कॉलेज से दाखाने तक सड़क पर जगह जगह गंदा पानी, गढ़ों की वजह से आना जाना अजाब हो गया। बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन और करतारपुर राहदारी की पहली सालगिरह की तकरीबात। मोदी सरकार ने भारतीय सिखों के लिए राहदारी को नोगो एरिया बना दिया। दुनिया भर से सिख यात्री शरीक, सिर्फ भारतीय सिखों को इजाजत ना मिली।